Hello students, today we will discuss exercise 3.4, ठीक है, एनसीईआरटी से. इससे रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं. आप देखेंगे साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा अगर जीरो होता है तो ये लगेगा. साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा अगर किसी पर्टिकुलर वैल्यू के इक्वल है तो यहाँ पे हम कन्वर्ट करके ये फॉर्मूले लगाएंगे. ठीक है, ये तीन फॉर्मूले एक्सरसाइज में हमारे पास इसके क्वेश्चन नहीं आएंगे. थोड़ा सा एडवांस लेवल पे क्वेश्चन आता है तो हम इसको यूज करेंगे. ठीक है, अब हम एनसीईआरटी शुरू करने जा रहे हैं. एनसीईआरटी 11th क्लास 3.4 देखिए प्लीज. फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास, टेन एक्स इज इक्वल्स टू रूट थ्री. सबसे पहले आप देखेंगे टेन एक्स रूट थ्री में टेन कितनी वैल्यू पे होता है, टेन पाई बाय थ्री. ओके, टेन पाई बाय थ्री दैट मीन्स 60. अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला देखेंगे. टेन एक्स टेन पाई बाय थ्री, टेन थीटा टेन अल्फा, तो थीटा की वैल्यू किसके इक्वल है, आप लिखेंगे एन पाई प्लस अल्फा. अल्फा मेरे पास कौन है, ये वाला पर्टिकुलर एंगल, तो आप लिखेंगे एन पाई प्लस पाई बाय थ्री. दिस इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन. जहां भी आपके पास एन आएगा आप उसे जनरल सॉल्यूशन कहेंगे. ओके, सेकंड क्वेश्चन साइड में आपके लिखेंगे इसके एन बिलोंगिंग टू एनी इंटीजर. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेक एक्स is equals to 2. ये सही क्वेश्चन है. अब sec के अंदर तो हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हम sec को किसमें कन्वर्ट करेंगे, cos में. तो cos में मेरे पास फॉर्मूला है, तो आप लिखेंगे cos x is equals to 2. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, cos x is equals to 1 by 2. ऐसे प्रॉब्लम कर दी तो उसे. अब आप ये सोचेंगे कि cos के अंदर हाफ कितने एंगल पे आता है, तो आप लिखेंगे कॉस में हाफ कितने पे आता है, आप बोलेंगे पाई बाई थ्री. कॉस 60, साइन 60 होता है रूट थ्री बाई टू, ऐसे कॉस 60 होता है 1 बाई टू. ओके, तो आप क्या लिखेंगे, कॉस थीटा कॉस अल्फा. यहां से चेक करेंगे कॉस थीटा कॉस अल्फा किसके इक्वल है, यहां से एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ये मेरे पास थीटा है और ये मेरे पास अल्फा, तो आप लिखेंगे cos theta cos alpha x equals to 2n pi plus minus alpha where n belonging to any integer. This is called general solution. ठीक है, next question number 3. question number 3 देखिए क्या है, cot x is equals to minus root 3. ओके, अब हम क्या करेंगे, फिर से वही चीज करेंगे. कॉट में हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, हमारे पास जो फॉर्मूले हैं साइन कॉस टेन इन्हीं तीन में है, तो हम कॉट को कन्वर्ट करेंगे 1 बाय टेन एक्स और फिर फॉर्मूले को टेन में मॉडिफाई करेंगे. ऐसे ओके, अब हम देखेंगे टेन के अंदर 1 बाय रूट थ्री कितने का आता है, तो आप बोलेंगे 30 10 पाई बाय 6. ठीक है, अब हमारे पास ये माइनस प्रॉब्लम कर रहा है. अब आप समझिए ध्यान से, सभी फॉर्मूलेज में 10 थीटा 10 अल्फा, cos थीटा cos अल्फा सारे पॉजिटिव है, लेकिन ये माइनस में आ रहा है, तो हम माइनस एलिमिनेट कर दूंगा. 10 थीटा 10 ऑफ माइनस पाई बाय 6 और 10 ऑफ माइनस पाई बाय 6 क्या ले सकते हैं, पाई माइनस 5 पाई बाय 6. ओके, तो ये बन गया मेरा 10 5 पाई बाय 6. ये की स्टेप है तीनों, किस तरह से माइनस 10 की वैल्यू को हम पॉजिटिव बनाएंगे. माइनस पाई बाय 6 को 5 पाई बाय 6 जब आप लिखेंगे तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं. आप इसको देखेंगे
अब हम लगाएंगे tan थीटा tan अल्फा, tan थीटा tan अल्फा किससे इक्वल है, n पाई प्लस अल्फा, सो n पाई प्लस अल्फा 5 π/6 वेयर n बिलोंगिंग्स टू एनी इंटीजर। ओके क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, cosec x माइनस टू, सेम cosec को कन्वर्ट करेंगे sin x, फिर sin x की वैल्यू लगाएंगे माइनस वन बाय। ओके अब हम क्या करते हैं, साइन वैल्यू ऐसे काम करेंगे sin x माइनस sin पाई बाय सिक्स, बिकॉज sin पाई बाय सिक्स में हाफ होता है sin 30, सेम प्रोसेस से इसको कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए sin x sin ऑफ माइनस पाई बाय सिक्स डन, अब आप इसको ओपन कर दीजिए पाई प्लस, ओके सुनिए पाई प्लस पाई बाय सिक्स, पाई प्लस पाई बाय सिक्स कौन से क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड में साइन क्या होता है नेगेटिव, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस साइन पाई बाय सिक्स आ जाएगा, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 7 π/6। तो ये ट्रिक है इसमें, जब हम टेन को कन्वर्ट करते हैं तो पाई माइनस करते हैं क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाता है, लेकिन साइन सेकंड में पॉजिटिव होता है तो थर्ड में भेजना होता है, तो पाई प्लस करेंगे। अब आप इसमें फॉर्मूला लगाइए जो मैंने आपको बताया था, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, तो थीटा किसके इक्वल वो रख देंगे, आप लिखेंगे एन पाई प्लस माइनस वन रेज टू पावर एन अल्फा, वेयर एन बिलोंगिंग्स टू एनी इंटीजर, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। ओके क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, देखिए कॉस 4x कॉस 2x, कॉस 4x कॉस 2x, अब हम देखेंगे कैसे करेंगे, कॉस 4x को कॉस 2x के साथ, कॉस 4x कॉस 2x आप क्या करेंगे इसको इधर लेके आएंगे, तो हम दैट इज द साइन यूज करेंगे इज इक्वल टू 0, यहां पे हम अप्लाई करेंगे cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d क्या फॉर्मूला बताया था 2 sin c प्लस d बाय 2 sin d माइनस c बाय 2, क्योंकि ये फॉर्मूला यहां लिखा हुआ नहीं है तो इसे मैंने लिख दिया है, बाकी आप जितने फॉर्मूले यूज कर रहे हैं वो साइड में यहां लिखे हुए हैं, तो आप यूज यहां से करेंगे। ठीक है आप ये cos c माइनस cos d ये फॉर्मूला लगाइए 2 sin c प्लस d बाय 2 इंटू sin, क्या करेंगे साथ में, जैसे हमें d माइनस c करना है तो हम क्या देखेंगे, हमारे पास d कौन है 2, d माइनस c बाय 2 इज इक्वल टू 0, तो ये आ गया 2 sin 3x साथ में साइन ऑफ माइनस एक्स। ओके तो यहां से हमारे पास क्या बन गया, हम देखेंगे दो पार्ट बनेंगे क्वेश्चन के, आइदर साइन 3x को 0 रखेंगे या फिर साइन एक्स को 0 रखेंगे, ये माइनस मैंने कॉमन ले लिया यहां से। ठीक है अब हम साइन 3x को 0 रखते हैं तो फर्स्ट फॉर्मूले में चले जाते हैं, साइन थीटा जब 0 होता है तो थीटा की वैल्यू क्या है एन पाई, हम लिखेंगे 3x की वैल्यू क्या आ गई n पाई, वेयर n बिलोंगिंग टू एन इंटीजर, सो x क्या आ गया n पाई बाय 3। ओके एक x की वैल्यू n पाई बाय 3 आ गई, इफ दोबारा से देखते हैं sin x अगर 0 है तो x की वैल्यू क्या रखेंगे n पाई, एक बार अगर आप क्वेश्चन में n यूज कर देते हैं तो दोबारा n यूज ना करें, ठीक है कोई और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आप यूज कर सकते हैं, so x equals to m pi where m belongs to any integer, तो ये आपके दो आंसर बन गए। ठीक है ये पांच क्वेश्चन हो गए।
आप फटाफट नोट करें और अच्छे से समझ लें, इसके बाद आगे के जो क्वेश्चन है वो मैं भी करवाता हूँ प्लीज। फटाफट आंसर नोट कर लें।
फिर मैं दो क्वेश्चन आपको और करवाता हूँ। देखते हैं नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारे पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है secant square x का माइनस tan 2x, ओके secant square 2x 1 माइनस tan 2x। देखिए एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan square theta इज इक्वल्स टू secant square theta, इस आइडेंटिटी को हम यूज करेंगे। ओके तो हमारे पास secant square theta यहाँ है, तो हम इसी पे क्या लिखेंगे 1 प्लस tan square 2x और राइट साइड में क्या है 1 माइनस tan 2x, 1 से 1 कैंसिल होगा दोनों साइड, तो ये क्या बनेगा tan square 2x, इधर ले जाएंगे tan को प्लस tan 2x इज इक्वल टू 0, tan 2x क्या लेंगे कॉमन, तो ये क्या बचेगा tan 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहां से tan 2x की वैल्यू क्या आएगी 0 और यहां से tan 2x की वैल्यू क्या आएगी माइनस 1। अब हम फिर से फॉर्मूला लेते हैं tan theta का 0 हमारे पास, तो theta की वैल्यू कितनी है n pi, तो यहां से theta की वैल्यू क्या आ गई n pi, where n belonging to any integer, तो ये आ गया n pi by 2 where n belonging to any integer। सेकंड साइड देखेंगे tan 2x इज इक्वल्स टू माइनस 1 है, इसको फिर से वैसे लिखेंगे 3 पाई बाय 4 और फॉर्मूला लगाएंगे tan थीटा tan अल्फा, tan थीटा tan अल्फा क्या फॉर्मूला होता है n पाई प्लस अल्फा, तो यहां लिखेंगे n पाई प्लस अल्फा, अल्फा कितना है 3 पाई बाय 4, तो यहां से इसकी वैल्यू क्या आ गई m पाई बाय 2 3 पाई बाय 8 where m belonging to any integer, ये आंसर आ गया हमारे पास n के टर्म्स में, क्लियर हो गए। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन बस है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 को हम यहां कर लेते हैं, ठीक है यहां पे दे लेते हैं, ये आपने नोट कर लिया था लास्ट स्लाइड में, तो आप क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, क्या क्वेश्चन कहता है sin x sin 3x sin 5x, देखिए sin x sin 3x sin 5x किसे इक्वल है 0 के, हम क्या करेंगे इन दो के अंदर cd फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि मैंने सिखाया था आपको इन दो की सिमेट्री 2 से डिवाइड करने पे ऐड करने पे 3x के इक्वल आती है, तो हम लिखेंगे sin 5x plus sin x plus sin 3x is equals to 0, sin c plus sin d अप्लाई करेंगे 2 sin c plus d by 2 cos c minus d 5x में से x minus होगा c minus d by 2 या गया 2x, साथ में है मेरे पास sin 3x is equal to 0, यहां से sin 3x यहां से sin 3x दोनों से क्या आ जाएगा common, तो आप लिखेंगे sin 3x common, रिमेनिंग पोर्शन क्या होगा 2 cos 2x plus 1 is equal to 0, अब मैं क्या देखूंगा either sin 3x is equal to 0 or 2 cos 2x plus 1 equals to 0, तो sin 3x is equal to 0, so sin 3x अगर 0 है तो सबसे पहला फॉर्मूला क्या करेगा 3x is equal to n pi where n belonging to any integer, so x equals to n pi by 3 where n belonging to and second question 2 cos 2x plus 1, 2 cos 2x plus 1 equals to 0, so cos 2x gives minus half and cos 2x minus times of cos pi by 3, cos 2 minus करने के लिए हम क्या करेंगे minus करेंगे, तो आप क्या लिखेंगे cos 2 pi by 3 because pi minus pi by 3 gives 2 pi by 3, so cos theta cos alpha, फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे इस बार हमारा फिफ्थ फॉर्मूला, फॉर्मूला में देखिए क्या कहता है cos theta cos alpha, तो theta equals to this one cos theta cos alpha, तो theta is equals to 2 m pi
plus minus alpha, where m belonging to any integer. और क्या लिखेंगे लास्ट रीजन? x equals to 2 जैसे डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा m pi plus minus 2 pi by 6, यहाँ पे pi by 3 लिख सकते हैं आप डायरेक्ट pi by 3. So this is your answer. Okay? इस तरह से कंप्लीट हमने एक्सरसाइज पूरी कर दी है आपको. अब नेक्स्ट वीडियो में मिसलेनियस डिस्कस करेंगे. Okay, students, thank you and thank you very much.